الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال تعالى في موضع آخر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم अल्लाह जल्ला शानहु अम्मा नवालहु का बड़ा ही एहसान व करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबों को दीनी मजलिस में हाजिरी की तौफीक इनायत फरमाया, दीन की बातें मुझे कहने की और आपको सुनने की तौफीक दी। इसलिए हम सब अल्लाह तबारक व तआला का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करें, सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के हम्द के बाद अगर इस कायनात में कोई शख्सियत सबसे ज्यादा तारीफ का हकदार है, सबसे ज्यादा इज्जत के लायक है, तो वो हमारे नबी इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुबल्लगीन, इमामुल मुजाहिदीन, सरवरे कौनैन, फख्रे मौजूदात, शहनशाह दो जहां, अहमद मुज्तबा, मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी गए। हम सब अपने नबी पर एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं स्टेज पर जलवा अफरोज तमाम उलमाए किराम, हुज्जाज किराम और हिंदुस्तान के मारूफ शायर जनाब दिल खैराबादी साहब और इस जलसे को मुनाकिद करने में जिन लोगों ने अंथक मेहनत और मुशक्कत की, जिन लोगों ने दिन रात एक करके इस तरह के मजलिस को मुनाकिद किया, बेउतिया शांति संघों के तमाम अरकान के तमाम जुमले अराकीन को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज को इस जलसेगाह में दावत दी और बुलाया। मैं अपने तमाम अरकानों का, तमाम जुमले अराकीन का दिल की गहराइयों से बसीद कल्ब शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों के इस जलसे को कामयाब करे। इस जलसे की बदौलत आपको और आपके इलाके के तमाम लोगों को हिदायत से मालामाल करे, सब कहें आमीन। हमारे इलाके का बहुत मशहूर और मारूफ ये जलसा है। वैसे तो इलाके में कई जलसे होते हैं, लेकिन जो नाम, जो शोहरत इस जलसे का था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस जलसे की उस शोहरत में थोड़ी बहुत कमी आ चुकी है।
क्योंकि माजी तारीख गवाह है कि इस जलसे में सामईन की तादाद सबसे ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज इस पिंडाल की हालत को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मेरी जाती राय यह है कि शायद हमारे इखलास में कोई कमी आ गई होगी या हमारे इंतजाम में कोई कमी आ गई होगी, जिसका नतीजा ये जाहिर है। मैंने एक आयत करीमा आप लोगों के सामने तिलावत किया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये आयत करीमा कुरान करीम की बहुत मशहूर और मारूफ आयतों में से है। इस आयत करीमा की तफसीर और तशरीह समझने से पहले एक बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि कुरान करीम के अंदर जितनी आयत करीमा है उनमें से जो मशहूर और मारूफ आयात होते हैं उसके कुछ शाने नुजूल होता है। शाने नुजूल का मतलब होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान करीम के आयत नाजिल फरमाया किस वाकया के तहत, इसका शाने नुजूल क्या है, नाजिल होने का मकसद क्या है, किस मकसद की बिना पर यह आयत करीमा नाजिल किया गया, यह होता है शाने नुजूल। तो वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। इसका शाने नुजूल क्या है? इसका शाने नुजूल यह है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो मदीनतुल मुनव्वरा में दो कबीले ज्यादा रहा करते थे जो इस्लाम को कबूल किया था, जिसको हम अंसारी कहा करते हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी के लकब से नवाजा। ये अंसारी सहाबा दो खानदान से, दो कबीला से बिलोंग करता था। उनमें से एक कबीले का नाम था कबीले औस और एक कबीले का नाम था कबीले खजरज। और ये कबीले औस और खजरज के दरमियान अल्लाह के नबी की आमद से पहले तकरीबन 400 साल से बाहमी झगड़ा हुआ करता था, बाहमी इख्तलाफ था, बाहमी दुश्मनी थी। ये लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन जब अल्लाह के नबी ने इस्लाम की दावत लेकर मदीनतुल मुनव्वरा गए और मदीनतुल मुनव्वरा के लोग अल्लाह के नबी के हाथ में बयात किया, अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाया, अल्लाह के नबी को माना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान में आपसी जो इख्तलाफ था, आपसी जो दुश्मनी थी, जो दुश्मनी ज़माने जाहिलियत से चला आ रहा था, पहले उसको ख़त्म किया और इन दोनों कबीलों के दरमियान में आपसी उखुवत पैदा फरमाई। लेकिन जो मदीना के इर्द गिर्द में यहूदी रहा करते थे, जो यहूदी मुसलमान के दुश्मन थे, इस्लाम के दुश्मन थे, जब उन लोगों ने देखा कि कबीले औस और कबीले खजरज के दरमियान आपसी मोहब्बत पैदा हो गई है, ये लोग पुरानी दुश्मनी को भुला चुके हैं, पुरानी दुश्मनी को ये लोग खत्म कर चुके हैं, मोहब्बत आने की वजह से इनके दरमियान में मोहब्बत बढ़ रही है, तो यहूदी चिंगारी लेकर घूम रहे थे कि किस तरह फिर इनके दरमियान में इख्तलाफ डाला जाए, इनके दरमियान में फूट डाला जाए। तो इसी दौरान अंसारी सहाबा, जिसमें कबीले औस के भी लोग थे, कबीले खजरज के भी लोग थे, एक जगह बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे, और उसी दौरान रास्ते से शास बिन कैस नामी एक मुनाफिक, जो यहूदी था, जो हकीकत में मुनाफिक था और यहूदी था, उन्होंने देखा और
उनके दिल में जलन पैदा हुई कि कबीले औस और कबीले खजरज के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये शास बिन कैस नामी जो यहूदी था उनके दरमियान में जा बैठा और जाकर इनकी पुरानी बातों को ताजा करने लगा, पुरानी दुश्मनी को चिंगारी देने लगा, पुरानी दुश्मनी को उजागर करने लगा। एक दूसरे के दरमियान में ये लोग इख्तलाफ डालने के लिए बातें करने लगा। जब औस और खजरज के मुसलमान अंसारी सहाबी, मुसलमान तो मुसलमान है, इंसान तो इंसान है, जब उनकी पुरानी यादें उनके पास आने लगी, ये लोग आपस में एक दूसरे के दरमियान में इख्तलाफ पैदा होने लगा। इख्तलाफ यहाँ तक आ गया कि ये लोग मारा मारी झगड़ा के लिए तैयार हो गया। चुनांचे मुअर्रखीन बताते हैं कि अंसारी सहाबी में से कुछ लोगों ने तलवार भी निकाल ली और ये खबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में पहुंच गई कि कुछ जगह एक किसी जगह अंसारी सहाबी बैठे हुए थे जो कबीले औस और कबीले खजरज से ताल्लुक रखता है और उनके दरमियान में शास बिन कैस जाकर इख्तलाफ पैदा कर दिया, उनको आपस में लड़ा दिया, आप फौरन वहां जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे और देखा कि सहाबा अंसारी सहाबी एक दूसरे के दरमियान में बिल्कुल दूरी पैदा कर लिया और एक दूसरे के साथ मारा मारी और झगड़ा के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हैरत और बड़ी नाखुशी जाहिर की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम ज़माने जाहिलियत को फिर से उजागर कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूँ, तुम आपस में फिर इख्तलाफ पैदा कर रहे हो, ज़माने जाहिलियत के झगड़ा को, ज़माने जाहिलियत के रस्म और रिवाज को, ज़माने जाहिलियत के दुश्मनी को फिर उजागर कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूँ, मेरी बदौलत तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम से नवाजा, मेरी बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अंसारी के लकब से नवाजा, मेरी बदौलत तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के लकब से नवाजा, उसके बावजूद तुम फिर पुरानी दुश्मनी को उजागर कर रहे हो, पुरानी दुश्मनी को कुरेद रहे हो, आपस में इख्तलाफ पैदा कर रहे हो। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के अंदाज में बात की तो सहाबा मद्दम पड़ चुके, सहाबा के दरमियान में दिल में रहम आ गया, सहाबा के दिल के दरमियान, सहाबा के अंसारी के दिल में थोड़ा बहुत रहम पैदा हुआ और वो लोग एक दूसरे के दरमियान में जो झगड़ा का माहौल तैयार हो गया था वो खत्म होने लगा। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की ये आयत नाजिल फरमाई वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तुम आपस में इख्तलाफ मत करो, आपस में फिरका बाजी मत हो जाओ, आपस में तुम तफर्रुका में मत पड़ जाओ। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वाज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, तुम अल्लाह की नियमतों को याद करो, अल्लाह ने जो नियमतों से नवाजा, अल्लाह ने जो तुम्हें अलकाबों से नवाजा, अल्लाह जो तुम्हें किन किन चीज़ों से नवाजा, तुम इन तमाम नियमतों का, इन नियमतों को याद करो। उसके बाद फरमा रहे हैं इद कुंतुम आदान फअल्लफ बैन कुलूबिकुम, तुम लोग तो एक दूसरे के जान के दुश्मन बने थे, तुम लोग आपस में झगड़ा किया करते थे, तकरीबन 400 सालों से तुम्हारा आपसी इख्तलाफ था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा फरमाई फअल्लफ बैन कुलूबिकुम फअसबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा फरमाया और तुम आपस में भाई हो चुके हो, आपस में तुम शरीयत के एतबार से दीनी भाई हो, पुरानी इख्तलाफ को छोड़ दो। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा को नाजिल फरमाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त फरमाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, के एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दीनी भाई की हैसियत रखता है, दीनी भाई होने के
तमाम तर इख्तलाफ को पीछे छोड़ो, तुम आपस में प्यारो मोहब्बत से रहो, आपस में तुम इत्तेहाद से रहो, आपसी इख्तलाफ मत करो। चुनांचे दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, के बेशक ऐ मोमिनो तुम आपस में भाई हो, तुम आपस में इख्तलाफ मत करो, आपस में तफरकाबाजी मत करो, फिरकाबाजी मत करो, तुम इख्तलाफ में मत पड़ो, तुम एक दूसरे के दुश्मन मत बनो। तुम तो मुसलमान होने के नाते शरीयत के एतबार से तुम एक दीनी भाई हो, किसी की किसी के ऊपर कोई फजीलत नहीं है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मशहूर मारूफ जो तकरीर हुई थी, उस तकरीर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला ला फजल लि अरबी वला अजमी वला अजमा इल्ला अलल अरब वला अहमर अलल अस्वद वला अस्वद अलल अहमर, के अल्लाह के नबी उस तारीखी खिताब में फरमाया था कि अरब की अजमी पर कोई हैसियत नहीं है, ना गोरे की काले के ऊपर, ना काले की गोरे के ऊपर कोई फजीलत है, बल्कि तुम मुसलमान हो, मुसलमान होने के नाते तुम आपस में भाई हो, एक दूसरे से बड़ा बनने की कोशिश मत करो, एक दूसरे पर फौकियत मत ले जाओ, बल्कि अला अगर कोई फजीलत की हकदार है, अगर कोई फजीलत रखता है, अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक ज़्यादा हैसियत का मालिक है तो वो तकवा है। जिसके अंदर तकवा होगा, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा, जिसके अंदर अल्लाह की नबी की मोहब्बत होगी, जिसके अंदर शरीयत का पाबंदी का एतकाद होगा, वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा फौकियत रखता है। वरना तो अरब की अजम पर, अजम की अरब पर, गोरे की काले के ऊपर, काले की गोरे के ऊपर कोई फजीलत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, बल्कि इस्लाम होने के नाते, इस्लाम के मानने वाले होने के नाते, शरीयत के एतबार से, मुसलमान होने के एतबार से सब बराबर है अल्लाह के नज़दीक। हम लोग दुनिया में आए, दुनिया के ऐशो आराम में देखा, दुनिया की हर नियमतों को देखा, दुनिया की हर नियमतों से हमने लुत्फ उठाया, मजा लिया, लेकिन कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वजअलना लितआरफ वला तजअलना लिकुलूबिहिम लितआरफू, कि हमने किसी कबीला को किसी कबीला के ऊपर फौकियत नहीं दी, किसी को किसी के ऊपर ज्यादा अहमियत नहीं दिया। हमने जो ये कबीलाबाजी का नियम रखा, हमने जो ये खानदान का कानून रखा, इसलिए कि एक दूसरे को तारुफ कर सके, एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे सके। लेकिन अगर कोई अल्लाह के नज़दीक ज्यादा फजीलत रखता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तो वो अल्लाह के नज़दीक तकवा का हामिल वाला जो शख्स होगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक ज्यादा अहमियत रखेगा। लेकिन दुनियावी मुआशरा में, दुनियावी हालात में देखा जाता है कि अंसारी कुरैशी के ऊपर फौकियत लेना चाहता है, हाशिमी कुरैशी के ऊपर फौकियत लेना चाहता है, शेख सैयद के ऊपर फौकियत लेना चाहता है, मलिक पठान के ऊपर, पठान मलिक के ऊपर, शेख सैयद के ऊपर, इस तरह का जो फिरकाबाजी है, इस तरह की जो खानदानी रसूम है, इस तरह का जो खानदानी रस्म रिवाज है, और अपने खानदानी बलबूते के ऊपर दुनिया के अंदर हुकूमत करना चाहता है, कमजोरों पर जुल्म करना चाहता है, ये जमाना जाहिलियत के रस्म रिवाज है, इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शरीयत के नज़दीक, इस्लाम के नज़दीक अगर कोई अहमियत रखता है, अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन का चहीता है, तो वो तकवादार है, वो मुत्तकी है, वो परहेजगार है, वो जो तकवा रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, जो खौफ रखता है अपने खुदा का, जो खौफ रखता है अल्लाह के अज़ाब का, जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है, उसकी ज़्यादा अहमियत है। ये कबीलाबाजी, ये खानदानबाजी, ये खानदान को फौकियत देना, किसी को छोटा दिखाना, हमारा खानदान बड़ा है, हमारा हसब नसब बड़ा है, हमारा ताकत है, हमारा सब कुछ है, हम कमज़ोरों पर जुल्म करेंगे, हम कमज़ोरों पर सितम करेंगे, इस तरह का करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह ज़माने जाहिलियत के रस्म व रिवाज को, ज़माने जाहिलियत के रस्म व रिवाज मानने वाले को तबाह कर दिया, हलाक कर दिया, यही हाल हमारा भी हो जाएगा अगर हम फिरकाबाजी में पड़ेंगे, अगर हम तफरुका में पड़ेंगे, अगर हम इख्तलाफ और दुश्मनी में पड़ेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, हम शरीयत के दायरे में आए,
हम इस्लाम के मानने वाले हो जाएं, हम अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाएं, अगर हमारा ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से होगा, अगर हम सच्चे दिल से कुरान को फॉलो करेंगे, हदीस को फॉलो करेंगे, हदीस की बात को मानेंगे, हदीस पर अमल करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इज्जत से नवाजेगा दुनिया में भी आखिरत में भी। लेकिन कुछ लोगों का ये गुमान है कि हम फिरकाबाजी करेंगे, हम खानदानी रस्म व रिवाज को आगे चलाएंगे, हम खानदान के हसब नसब को लेकर हम दुनिया में अपना राज कायम करेंगे। इस तरह का सोच रखना, इस तरह का अकीदा रखना, ये सरासर गलत बात है। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास किसी ने आया और आकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को पूछा कि आप उस्मानी हो या अलवी हो। इसलिए पूछा कि सबसे पहले इस्लाम के अंदर जो ये फिरकाबाजी शुरू हुआ था वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने से हुआ था। जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हो चुकी थी तो उस वक्त सहाबा में से जो नौ मुस्लिम थे, जो नया मुसलमान हुआ था, वो लोग दो टीमों में तकसीम हो गया था। कुछ लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हो गया और कुछ लोग हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गिरोह के साथ हो गया। इसी दरमियान में एक शख्स आया, आकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा और सवाल किया कि ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, तुम किसके दल में हो, तुम किस गिरोह से ताल्लुक रखते हो, क्या तुम अलवी हो या उस्मानी हो। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जवाब दिया था उस जवाब को हम लोगों को मानना चाहिए, उस जवाब को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि मैं अलवी भी नहीं हूँ, मैं उस्मानी भी नहीं हूँ, मैं तो उम्मत मोहम्मदी हूँ, मैं अपना आइडियल, अपना सब कुछ सरकार मदीना को मानता हूँ, सरकार मदीना का तरीका जो है उस तरीका पर मैं चलूँगा, मैं अलवी भी नहीं हूँ, मैं उस्मानी भी नहीं हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं मैं मलिक हूँ, मेरा रस्म रिवाज, मेरा रसूख ज़्यादा है, मैं शेख हूँ, मेरा रसूख ज़्यादा है, मैं पठान हूँ, मेरा रसूख ज़्यादा है। ऐसी कोई पठानों की, ऐसी कोई मलिक की, ऐसी कोई शेख की अल्लाह के यहाँ कोई इज्जत नहीं है। अगर इज्जत है तो तक्वा की इज्जत है, अगर इज्जत है तो मोहम्मद के मानने वाले की इज्जत है। दुनिया में तारीख गवाह है कि मुसलमानों के अंदर ये फिरकाबाजी नहीं था, मुसलमानों के अंदर ये तफर्रुका नहीं था, ये इख्तलाफ नहीं था। जितना जमाना घटता जा रहा है उतना फिरकाबाजी बढ़ता जा रहा है। एक कुछ दिन पहले की बात है कि दुबई का जो गवर्नर है राशिद अल मखतूम, उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया तो उनके बाजू में एक शख्स बैठा हुआ था जो फटीचंद किस्म का आदमी था, जो दुबई के अंदर डिलीवरी का जॉब किया करता था, डिलीवरी बॉय था, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया तो जो दुबई का गवर्नर है, दुबई का बादशाह है, वो भी जिस सफ में बैठा हुआ है उसी सफ में डिलीवरी बॉय भी बैठा हुआ है, दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। यही इस्लाम की तालीम है, यही इस्लाम का तर्ज है कि अल्लाह के नज़दीक सब बराबर है, अल्लाह के यहाँ किसी को फोकियत नहीं है, अल्लाह के नज़दीक मुसलमान होने के नाते सबका मर्तबा समान है, सबका इज्जत बराबर है। अगर इज्जत किसी की ज़्यादा है तो वो तकवादार की है, वो मुत्तकी का है। अगर आप मुत्तकी हो, अगर आपके अंदर तकवा है, अगर आप अल्लाह के मानने वाले हो, अगर आप नबी से मोहब्बत करने वाले हो तो आपकी इज्जत है, वरना तो अल्लाह के नज़दीक मुसलमान होने के नाते सबकी हैसियत बराबर की। इसलिए दोस्तों ये फिरकाबाजी छोड़िए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए। आज मुसलमानों को होश की नींद सोना है, जागना है कि मुसलमान किस दौर से गुजर रहा है। आज जो मुसलमान परेशान है उसकी वजह यही है कि मुसलमान किस्मों में बढ़ चुका है, मुसलमानों के दरमियान में तकसीम हो चुकी है। कोई कहता है मैं बरेलवी हूँ, कोई कहता है मैं देवबंदी हूँ, कोई कहता है मैं अहले हदीस हूँ। अगर भाई मसलक के एतबार से आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अकीदा के एतबार से, अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान के एतबार से, अल्लाह के
नबी के ऊपर ईमान के एतबार से तो आप मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते आप एक प्लेटफॉर्म पर आइए, आपको एक प्लेटफॉर्म में आना सख्त जरूरी है, वरना ये दुनिया, ये जो माहौल है, ये हमारे मुल्क का माहौल है, हमें, हम अगर एक ना होंगे तो हमें कुचल कर रख देगी, हमें पिस कर रख देगी। हम लोगों को एक होना है, हम लोगों को एक साथ मिलकर रहना है। अगर हम एक साथ मिलकर रहेंगे, अगर हम मजबूती से कंधे से कंधे मिलाकर रख के रहेंगे तो हमारी ताकत, हमारी यूनिटी बरकरार रहेगी। दूसरा गैर कौम हमें देखकर खौफ पाएगा, वरना हमारी हालत बहुत खराब हो सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह का वास्ता, आप इख्तलाफ को छोड़िए, आप आपस में प्यार मोहब्बत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ 3 दिन से ज्यादा बात बंद करना नहीं चाहिए। हालांकि बहुत से ऐसे घर है, बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपस में सालों साल से कोई रिश्ता में नहीं है, सालों साल कोई ताल्लुक में नहीं है, बातचीत खत्म, लेन देन खत्म, मोहब्बत खत्म, उखुवत खत्म। अगर इस तरह की हर चीज खत्म हो जाएगी, अगर हम आपसी इख्तलाफ में पड़ जाएंगे, आपसी दुश्मनी में पड़ जाएंगे, तो जो दूसरा गैर कौम है वो हमारे इस इख्तलाफ का फायदा उठाएगा और हमें 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 दुनिया के अंदर रुसवा करेगा। हिंदुस्तान का माहौल बहुत संगीन है, इलेक्शन का माहौल है, हम लोगों को एक रहना है, हम लोगों को हर मुसीबत का मुकाबला करना है। अगर हम एक रहकर हर मुसीबत का मुकाबला करेंगे तो दुनिया में भी और आखिरत में भी हम कामयाब होंगे। अगर हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगा। अगर हम सहाबा के नक्शे कदम पर चलेंगे, जिस तरह औस के अंसारी सहाबी, खजरज के अंसारी सहाबी जब अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाया तो उनके दिल के अंदर ईमानी जज्बा पैदा हुआ। हम भी अल्लाह के नबी के मानने वाले हैं, हमारा भी ईमान अल्लाह के नबी के ऊपर है, हमें भी एक रहना है, हमें भी कंधे से कंधे मिलाकर रहना है। अगर हम इस तरह रहेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कंधे से कंधे मिलाकर प्यार और मोहब्बत से रहने की तौफीक इनायत फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।